हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि किन फलों में नेचुरल शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, साथ ही देखेंगे कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें प्राकृतिक शक्करा कम होती है। सबसे पहले देखते हैं वो फल जिनमें प्राकृतिक शक्करा यानी कि नेचुरल शुगर ज्यादा होती है, आम या मैंगोज। हालांकि आम हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नेचुरल शुगर की मात्रा भी ज्यादा होती है। एक आम में लगभग 45 ग्राम शुगर होता है। अगर आप अपना वेट कम करने की या फिर कम शुगर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको आम का कम से कम सेवन करना चाहिए। एक बार में आप एक या दो स्लाइसेस से ज्यादा ना लें। अंगूर या ग्रेप्स, लगभग एक कप अंगूर में 23 ग्राम शुगर होती है, जो काफी ज्यादा है। कोशिश करें एक बार में आप आधा कप से भी कम अंगूर का सेवन करें। आप चाहें तो अंगूर के आधे आधे टुकड़े करके फिर उसका सेवन करें। इससे आप कम अंगूर भी खाएंगे और आपको तृप्त भी महसूस होगा। चेरी, एक कप चेरीज में लगभग 18 ग्राम शुगर पाई जाती है। अगर आप एक बार में एक बड़ा बाउल चेरी का सेवन करते हैं तो आप एक बार में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर का सेवन कर रहे हैं। इसीलिए चेरी खाते समय ध्यान दें कि आप एक बार में मुट्ठी भर, जो लगभग 5 या 6 से ज्यादा नहीं होगी, का सेवन ना करें। नाशपाती या पेयर, एक मीडियम आकार की नाशपाती में लगभग 17 ग्राम शुगर पाई जाती है। अगर आप शुगर कम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में आप एक बार में पूरी नाशपाती ना खाएं। तरबूज या वाटरमेलन, तरबूज की एक मध्यम आकार की स्लाइस में लगभग 17 ग्राम शुगर होता है। जैसा इसका नाम बताता है, यह पानी से भरपूर होता है। साथ ही इसमें विशेष प्रकार के मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट भी पाए जाते हैं, जिसके चलते हमारी बॉडी रिचार्ज रहती है। कोशिश करें कि आप एक बार में 2 स्लाइस वाटरमेलन से ज्यादा ना खाएं। अंजीर या फिग्स, 2 मध्यम आकार की अंजीर में लगभग 16 ग्राम शुगर होता है। अगर आप शुगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक बार में एक अंजीर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। केले या बनानास, एक मध्यम आकार के केले में लगभग 14 ग्राम शुगर होता है। अगर आपको यह बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप एक बार में आधा केला ही खाएं। तो ये तो हुई बात उन फलों की जिनमें शुगर की क्वांटिटी या नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा होती है। आइए नजर डालते हैं उन फलों पर जिनमें शुगर की मात्रा कम होती है। अवोकाडो, जरूरी नहीं है कि सभी फलों में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो। अवोकाडो एक ऐसा फल है जिसमें केवल 1.33 ग्राम नेचुरल शुगर होती है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक ओर इसमें शुगर की मात्रा कम होती है, वहीं दूसरी ओर इसमें कैलोरी ज्यादा होती है। आप इन्हें आराम से संतुलित मात्रा में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अमरूद या गुआवा, एक मध्यम आकार के अमरूद में केवल 5 ग्राम शुगर होती है। साथ ही इसमें लगभग 3 ग्राम फाइबर भी होता है, जो एक कटोरी ब्राउन राइस या फिर एक होल ग्रेन ब्रेड से ज्यादा होगा। रसभरी, रसभरीज में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और लगभग 1 कप रसभरी में केवल 5 ग्राम शुगर होती है। इसमें मौजूद फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बेहतरीन होता है और रसभरीज का सेवन करने से हमें लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। साथ ही इसमें कैलोरी की मात्रा भी कम होती है। पपीता या पपाया, एक छोटे आकार के पपीते के आधे हिस्से में लगभग 6 ग्राम शुगर होती है। पपीता भले ही छोटा हो, लेकिन फिर भी इसे पूरा एक बार में नहीं खाया जा सकता। कोशिश करें कि आप एक बार में आधे से ज्यादा पपीता ना खाएं। स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, साथ ही इनमें नेचुरल शुगर भी कम होती है। लगभग 1 कप स्ट्रॉबेरी में केवल 7 ग्राम शुगर मौजूद होती है। हमारे लिए फल काफी फायदेमंद होते हैं, लेकिन यदि आप वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको फल का सेवन करना चाहिए, लेकिन मॉडरेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा है, तो कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।